सो हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो अब मैं आपको दिखाया था जो राउटर, वो है हमारा टाटा स्काई का न्यू कनेक्शन। ठीक है, तो आज मैं आपको उसी की प्रोसेस दिखाने जा रहा हूँ, मतलब किस तरह से जो हमारे भैया आपको सामने दिख रहा है वो किस तरह से कनेक्शन वगैरह करेंगे, मतलब फाइबर कनेक्शन के लिए जो मशीन होती है वो दिखाऊँगा। वो कैसे आप फाइबर को चार्ज किया जाता है, पावर दी जाती है, वो दिखाऊँगा, सारी वो सारी चीज़ें। ठीक है, और आपको बताऊंगा उसके प्लान वगैरह कैसा क्या है। तो अभी तो भैया क्या जो पुरानी मीन्स लैंडलाइन की केबल आती है जो कॉपर वाली, उसको निकालना है, उसमें मीन्स फोल्ड करके वो कौन सी जो फाइबर केबल है उसको वहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक ये कॉपर लेके गए। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अपन थोड़ा इसका प्लान वगैरह भी बात कर लें। ठीक है, तो उसके पास में आप देख रहे होंगे ये हमारा BSNL का। तो BSNL क्या है, इसमें लिमिटेड की आती है कि मतलब तुम्हें पता होगा ना कि 500 GB ऐसा कुछ। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग फिर हमने देखा ना, तो मीन्स टाटा स्काई भी 3.3 TB कितना होता है वो डाटा। ठीक है, तो इसलिए हमने सोचा कि हम ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है, बस यही था, हम ट्रांसफर कर लें। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ वही किस तरीके से आप ये प्रोसेस करने वाले। ये मीन से जो हमारे घर में लगाए उन्होंने समथिंग आधा घंटा लगा होगा और उन्होंने पूरा कनेक्शन कर दिया। ये आप नीचे देख रहे हैं, ये पड़ी है फाइबर केबल। ठीक है, तो और इसके बाद ये ब्लैक आप देख सकते हो, ब्लैक टेप से उन्होंने फाइबर केबल को कनेक्ट कर दिया है कॉपर वायर से, जिससे ईजिली वो उसको मीन्स ऊपर की तरफ निकाल सकें, मीन्स जहाँ पे भी उसका कनेक्शन है ना वहाँ ले जा सकें। ठीक है भाई, तो आप यहाँ देख सकते हैं वो फाइबर केबल का एक मीन्स मिडल में यहाँ पॉइंट था, तो उन्होंने मीन्स केबल यहाँ से खींचना अच्छा समझे, क्योंकि अगर वो ज़्यादा लंबी खींचे तो शायद क्रैक हो सकती थी या खींच सकती थी। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही थिन होती है, मैं लास्ट में बताऊंगा वो कितनी पतली होती है। ठीक है, और ये डुअल बैंड है, मतलब इसमें जब मैंने इस फाइबर केबल कट करके देखा था तो इसके अंदर दो बैंड थे, वही मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैं आ गया हूँ हमारे बोर्ड पे जहाँ पे लास्ट में ये केबल आई हुई थी। ठीक है, आप ये केबल को देख सकते हैं, इसलिए ये भैया वहाँ से खींच रहे हैं। ठीक है, बहुत मेहनत का काम लगता है, क्योंकि सारा इतनी तीस जगह में कैसे इंसान वो करता है, सही है ना। तो देखो आपको ये केबल आ गई हमारी फाइबर केबल, उसके बाद ये आप पास में पाइप देख रहे हैं। ठीक है, ये आप पास में पाइप देख रहे हैं, ये इसमें से डाले कि इनका नीचे नीचे कहीं पे ज़्यादा नहीं, हाँ इसके हमारे नीचे वाले उस पर फ्लोर पे उनका वो है बोर्ड है, मीन्स मीटर है इसका, कनेक्टिंग मीटर, तो वहाँ जाके कनेक्ट कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये अपना चार्जर, ठीक है, मीन्स एडेप्टर उसका, और उसके बाद ये कनेक्टर है, मीन्स इसमें जो दो जॉइंट लगेंगे ना, ये मेन फाइबर केबल और राउटर वाले के लिए, उसका कनेक्शन के लिए डिब्बी है। ये हमारा राउटर है नोकिया का, आप ब्रांड देखो नोकिया अभी भी जिंदा है मार्केट में। ठीक है, और उसके पास ये इतनी सारी फाइबर केबल रखी हुई। ठीक है, तो अब अपन देखिए ये मशीन देखी अभी आपने हाथों में, तो वही मशीन थी जो कि दो वायर के में दो फाइबर कनेक्ट करती है। ये आपने राउटर देख ही लिया था। ठीक है, और इसके अंदर भी मीन्स ये अभी इसकी जो प्राइस है ना वो 3000 रुपये है। ठीक है, हमने चेक भी किया था इसको ऑनलाइन, ये आप मशीन देख सकते हैं, ये रही अपनी मशीन। ठीक है, अब अपने क्या करना है, इन मशीन में ये इनके पास मीन्स मशीन में सामान आता है, तो ये रही वो पतली फाइबर जो कि अपने उससे मीन्स राउटर से कनेक्ट होगी। तो इसको कनेक्ट करना है उनको किससे, अपनी जो इतनी बड़ी फाइबर लाइन आई है ना उससे वो रखी। ठीक है, इसके अंदर आपको बताऊँ, इसके अंदर एक माइक्रो कैमरा होता है। ठीक है, अगर देखते हैं अगर स्क्रीन में वो दिखता है तो ठीक है, क्योंकि मैंने देखा था अपनी आंखों से, ये अभी इन्होंने छीला है इसको मीन्स और अब इसको कट किया है, थोड़ा सा बिल्कुल प्लेन कर दिया वहाँ से, जिससे दोनों फाइबर ईजिली कनेक्ट हो जाए। अरे अब ये दूसरी वाली भी देखो, आप देख रहे हो ना कैमरे में,
वो अभी डिस्टेंस था दो फाइबर के बीच में, तो वो इंक्रीज करेंगे थोड़ी सी फाइबर, थोड़ा सा मीन्स इंक्रीज करना पड़ेगा उसके लिए। अब ये कट कर देंगे बिल्कुल, जिससे प्लेन कटिंग आ जाए। देखो ठीक, ये वही कट। अब क्या करेंगे, अपन को इसमें लगाना है ऐसे। अब देखो ये रही, ये देख सकते हो आप, दो बिल्कुल दूर दूर है, ये पास में है, ये पास में है, ये पास में है, और ये हो गई जॉइंट। ये देख सकते हो, ये थी मशीन, यही आती है 1 से 1.5 लाख रुपए की सबसे महंगी मशीन होती है। और अब हो गई हमारी कनेक्शन, तो भैया इसको कर देंगे सील, मतलब सील मतलब समझ रहे हो ना, हॉट उससे कर देंगे। वो भी उनका पास नहीं था, तो उसी मशीन में, एक ही मशीन में वो सारा वो कर दिया भैया ने हॉट उससे, ठीक है। और यहाँ पे भैया ये डिब्बी ठोक दी, डिब्बी में अभी ऐसे घुमा के लपेट देंगे आसानी से, डिक 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 ऐसे घुमा के लपेट दिया। बहुत मतलब बहुत ही थिन है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, बहुत थिन चीज है ये। वो मैंने ऐसे मुंह से छीलने की कोशिश की थी, तो वो तो खत्म ही हो जाती थी, चलती नहीं। उनके बहुत पतले शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं जिससे वो छिल जाती है, ठीक है। मतलब इनको बिल्कुल बिल्कुल सफाई से, पूरी जो केबल वगैरह है वो बिल्कुल सफाई से लाए। देखो आप बिल्कुल उस डिब्बे के ऊपर से लेके आए, बिल्कुल पतले में से, और ऐसे बिल्कुल बिल्कुल क्लीनिंग के साथ, के कोई भी वायरिंग वगैरह ना दिखे। इतना अच्छा मी से बहुत अच्छा किया है उन्होंने, ठीक है। ये लग गया, ये अपनी डिब्बी कनेक्शन हो गया टोटल। तो ये था हमारा येलो वायर जो कि हमारे राउटर्स कनेक्ट होगा। तो अब इसको क्या करना है भैया, इसको कर रहे हैं पावर अप, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, आप इनके हाथ में ये मशीन देख रहे होंगे, ठीक है। ये मशीन क्या करती है, ये मशीन फाइबर को पावर अप करती है। क्यों पावर अप क्यों करना होगा, क्योंकि वो मशीन नीचे लगी हुई थी, ठीक है, तो उससे उन्होंने उसको पावर अप किया था। देखो आप देख रहे हो, ये इन्होंने चार्जर लगाया एडेप्टर, ये देख रहे हो, ये हो रही पावर अप, ठीक है, ये हो रही पावर अप, ये हो गई पावर अप। क्यों चेक करना पड़ता है ना कि लाइट आई है नहीं, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया हमारे कनेक्शन। उसके बाद उन्होंने बोला था कि आपको 20 से 25 मिनट बाद आपका क्या आ जाएगा, 20 से 25 मिनट बाद आपके पास आ जाएगा राउटर का आईडी पासवर्ड, जो कि आपको मेल वगैरह आ जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से चेक कर सकते हो, तो हम वहाँ से चेक करेंगे, ठीक है। इस कनेक्शन वगैरह, ये इसका मोबाइल ऐप भी है, उस पर से आप क्या कर सकते हो, उसे चेंज कर सकते हो, ऐसा वैसा वो सारी चीज़ें उन्होंने बताई हुई थी कि आप बिल्कुल आसानी के साथ उसे कर सकते हो। इस मोबाइल में आप देख सा देख पाओगे कितने कनेक्शन है, कौन से बिट पे कितने कनेक्ट हुए हैं, 2.4 और 5.1 GHz ये दो हैं इसमें, तो वेरी गुड। और उन्होंने बताया था अगर आप 5 GHz वाले पे चलाओगे तो आपको इजीली 100 Mbps मिल जाएगी। हमारा अभी 100 Mbps वाला प्लान है, और अगर आप 2.4 पे चलाओगे तो आपको 80-90 इतना चलता रहेगा इस पर। ऐसे ही था, क्योंकि 2.4 मीन्स मेरे अकॉर्डिंग जो ज़्यादा दूर के लिए होता है ना, थोड़ा डिस्टेंस वाले एरिया में, उसमें रहता है कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर लगाए और फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पर, तो उसके हिसाब से रहता है। हाँ